वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ये भी इसका जो है ये ग्लोबली एक अलार्मिंग देते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस जो है ये स्प्रेड हो चुका है, अवेयर हो ही रहे हैं। और हम यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये वाला जो वायरस है जैसे कोविड फैला था इंडिया में वैसे ये इतना पैंडेमिक ना हो। मंकी पॉक्स वायरस जो है जेनेटिक डिजीज है जो कि फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस एंड देन टू ह्यूमंस टू ह्यूमंस, मतलब जानवर से इंसान को होता है फिर आगे इंसान से इंसान को स्प्रेड करता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना, तो हमें किसी चीज़ से नहीं चाहिए, ठीक है। और मंकी पॉक्स वायरस जो है अभी इंडिया में इतना एक अगर बच्चा जो आया है हमारा यहाँ पे दिल्ली में कुछ लोग उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो अंदर से फैल जाए, ठीक है ना। तो गज की दूरी है जरूरी, जैसे पहले हम लोग रखते थे हैंड वॉशिंग हैंड सैनिटाइजेशन, ठीक है ना, कि अगर कोई हमारे जर्म है भी है अगर कोई हाथ मत करे हमारे मुँह के अंदर ना जाए, हमारे आइज के साथ कॉन्टैक्ट ना करे, हमारे फेस के साथ कॉन्टैक्ट ना करे। नमस्कार, प्याजी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं आपके साथ महक रंधावा। कोरोना वायरस के बाद एक और बीमारी ने कोरोना के बाद दस्तक दे दी है। वायरस का नाम है मंकी पॉक्स वायरस। अब इस नाम के वायरस ने पूरे देश भर में तबाही मचाई हुई है। बता दें कि देश में 3 अब तक केस मंकी पॉक्स के पाए जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी 31 साल के व्यक्ति को मंकी पॉक्स से संक्रमित हो गया है। फिलहाल उसको मौलाना आजाद मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुजानपुर के सिविल अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आंचल शर्मा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैम, सबसे पहले बताएं कि कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स जो वायरस है उसने दस्तक दे दी है। लोग बहुत डरे हुए हैं। अभी तक देश की अगर बात करें तो देश में कुल 3 मरीज पाए जा चुके हैं इस चीज़ के। हाँ जी मैम, मैं आपको बताऊँ कि अभी तो लोग कोविड से उभरे हैं, ठीक है। अभी तो हमारी कोविड की वैक्सीनेशन चल रही है और एक ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ये भी इसका जो है ये ग्लोबली एक अलार्मिंग दे दिया है कि एक मंकी पॉक्स वायरस जो है ये स्प्रेड हो चुका है इंडिया में। जो अभी तक है अभी मई 2022 में फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था, ठीक है। अभी तक जो है इंडिया में जो है अभी तक 4 केसेज हुए हैं के मंकी पॉक्स वायरस के। तो आगे जो है लोग अवेयर हो ही रहे हैं और हम यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये वाला जो वायरस है जैसे कोविड फैला था इंडिया में वैसे ये इतना पैंडेमिक ना हो, ठीक है। दूसरा है जो मंकी पॉक्स वायरस है जो ये मैम ये सेम है जैसे कि हमारा स्मॉल पॉक्स वायरस है। मंकी पॉक्स वायरस जो है एक जेनेटिक डिजीज है जो कि फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस एंड देन टू ह्यूमंस टू ह्यूमंस, मतलब जानवर से इंसान को होता है फिर आगे इंसान से इंसान को स्प्रेड करता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन कि अगर हम सपोज करो जो पेशेंट इन्फेक्टेड है मंकी पॉक्स वायरस, हमने उसके साथ बैठे हैं थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कुछ खाया पिया है हमने उसके साथ, उसके हमने बेडिंग्स लिनन यूज़ किए हैं, देन उसका जो फ्लूइड कहीं गिरा है अगर उसने कहीं स्पिट किया है या कुछ और तरह का फ्लूइड कहीं गिरा है वो अगर टच हो गया तो ये सारे जो हैं इस वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वायरस का 5 to 12 डेज है, लेकिन कभी कभी जो अकॉर्डिंग टू हम लोग पढ़ते हैं WHO ने जो एक स्टडी दी है 21 डेज भी लग जाते हैं पेशेंट को जो है इसके सिम्टम्स डेवलप होने में। सिम्टम्स इसके कैसे हैं कि एकदम से तेज बुखार होता है, ब्लरिंग विजन होगा, ठीक है, और सिर दर्द है, देन उसका जो है मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसमें आएगी जो मेन सिम्टम है स्किन रैशेज, वो स्टार्ट होएगा हमारे फ्रॉम फेस टू ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। जो स्किन रैशेज है वो टिपिकल वही पस्टूल्स बनते हैं वो पानी वाले जैसे हमारे चेचक के जो स्मॉल पॉक्स होता था उसमें बनते रहते वैसे ही इसके, बिकॉज ये उसी के रिलेटेड वायरस है जिसे था DNA वायरस और ये स्मॉल पॉक्स वायरस का ही सेम उसी क्लास का ये वायरस है तो इसके वही सिम्टम्स बनते हैं। तो अभी तक खैर इंडिया में अभी दिल्ली में जो है एक बंदा जो अभी आया है रिसेंटली वो एडमिटेड है हॉस्पिटल में और बाकी जगह पे अभी हम लोगों को यही अवेयर कर रहे हैं कि अगर किसी को कोई बाहर से कुछ ट्रैवल करके आया है जैसे साउथ अफ्रीका से या नाइजीरिया से, क्योंकि उन कंट्रीज़ में अफ्रीका में ये ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, अगर वहाँ से कोई ट्रैवल करके आया है तो इसका इन्वेस्टिगेशन वो ज़रूर करवाएं। मैम एक सवाल यहाँ ये है कि जो 31 साल के व्यक्ति को हुआ है दिल्ली में उसकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हाँ तो मैम यही हो सकता है ना कि उसका
कोई ना कोई कॉन्टैक्ट किसी से हुआ होगा, ठीक है, या कभी हम कोई मीट खा लेते हैं, नॉन वेज हमने खा लिया है, या कुछ है कि वो इन्फेक्टेड किसी एनिमल का होगा, वो भी एक रीज़न हो सकता है, या कोई कॉन्टैक्ट रहा होगा। मैंने आपको जैसे बताया ना कि ये वायरस जो है जेनोटिक है, इसमें फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन और ह्यूमन्स टू ह्यूमन्स ट्रांसमिट करेगा, तो कोई ना कोई कॉन्टैक्ट विद वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, ये कोई ना कोई कॉन्टैक्ट जरूर रहा है। मैम अब देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं आ पाया, तो किस तरह से, क्या इसका कोई इलाज है, कोई ट्रीटमेंट है इसका? अभी इसका मैम कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अभी नहीं आया है, ठीक है ना, तो मतलब टिपिकल जैसे हमको बोले कि हाँ जी ये इसकी वैक्सीन है या ये, पर अभी इसका वही जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है, स्मॉलपॉक्स का कह लो वो भी इसका भी ट्रीटमेंट है, लेकिन सबसे पहले कि अगर कोई लगता है कि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति वो अपने आप को आइसोलेट कर सकता है, नियर बाई अपने हेल्थ फैसिलिटी में जाके बता सकता है कि उसका जो है वो हेल्थ फैसिलिटी सेंटर जो है उसका अरेंज कराए कि उसको कहाँ पे, मतलब उसको गाइड करे कि उसको कहाँ पे हमने एडमिट करवाना है, कहाँ पे हमने उसको शिफ्ट कराना है, क्योंकि इसमें पूरा आइसोलेशन चाहिए। आइसोलेशन इसीलिए चाहिए कि उसके ड्रॉपलेट से, उसके कॉन्टैक्ट से, कांटी से, उसके किसी से अगले बंदे को कोई इन्फेक्शन ना हो। सबसे पहले तो उसे ये करना चाहिए कि मास्क पहनना चाहिए, अगर किसी को ये सिम्टम कोई लगता है, ज़रूरी नहीं कि वही आ गया स्किन रैश। मैं तो कहती हूँ अगर किसी को अभी भी कोई हल्की सर्दी खांसी बुखार है जो 5-7 दिन से है, ठीक नहीं हो रहा, तो पेशेंट को बेहिचक आना चाहिए। एक तो पहले तो कोविड टेस्ट करवाना चाहिए, दूसरा है हम लोग अभी तो यहाँ पे जैसे है हमारे तो RT-PCR या रैपिड हो रहा है, पर कोविड ऑनली मंकी का जो ये मंकी वायरस का इन्वेस्टिगेशन है ये तो अभी हायर सेंटर्स में ही है, लेकिन अगर कोई पेशेंट विद सिम्टम आएगा तो हम लोग उसको गाइड करेंगे पूरा कि हायर सेंटर्स में उसको शिफ्ट करने की, उसको भेजने की, कि ताकि उसका टाइमली प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन हो जाए और प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, कि राधर की वो ज़्यादा एक बढ़ जाएगी पेंडेमिक। उससे बेटर है कि लोग खुद अवेयर हो जाए, अगर किसी को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम लगती है, कोई स्किन रैश है, कोई चिंग है, कोई मतलब बुखार है, सिर दर्द है, तो वो प्लीज़ आके अपना डॉक्टर को कंसल्ट करें। मैम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन क्योंकि अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस की वजह से लाखों करोड़ लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है, और अब मंकी पॉक्स वायरस की दस्तक देश में देना ये बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि इससे डरना चाहिए या फिर इससे लड़ना चाहिए, किस तरह से आप लोगों को मैसेज देते हो? देखो मैम, डरना तो हमें किसी चीज़ से नहीं चाहिए, ठीक है, और मंकी पॉक्स वायरस जो है अभी इंडिया में इतना वो भी एक अगर बंदा जो आया है हमारा यहाँ पे दिल्ली में, उसको उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो अंडर सेफ हैंड्स है, ठीक है ना, तो लोगों को हमें तो डरना किसी चीज़ से नहीं चाहिए, बट हाँ कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमें अपना बचाव खुद करना है। और जैसे है कि मास्क जो कि हम कोविड में पहनते थे, अभी फिर हमारी गाइडलाइन है कि भीड़ भाड़ से हमें बचना है, 2 गज की दूरी है जरूरी, जैसे पहले हम लोग रखते थे, हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, ठीक है, कि अगर कोई हमारे जर्म है भी है, अगर कोई हाथ मत ना हमारे मुंह के अंदर ना जाए, हमारे आइज के साथ कॉन्टैक्ट ना करे, हमारे फेस के साथ कॉन्टैक्ट ना करे, तो हम लोग यही प्रिकॉशन रख सकते हैं, यही प्रिवेंशन रख सकते हैं जो हम ड्यूरिंग कोविड रखते थे, कि हाँ जी हम लोगों को बार बार अपना अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते थे, बाहर से आते थे अपनी क्लोथिंग का चेंज करना, ठीक है ना, पूरा मतलब अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, अपनी आईज अपना फेस ये कवर करके रखना, मास्क से कवर करके रखना, कि अगर हमें दूसरे का इन्फेक्शन कोई कैच ही ना हो, तो इसलिए मुझे तो यही लगता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ डरने की तो ज़रूरत है, डरने की नहीं, और प्रिवेंशन अपना खुद हम कर सकते हैं, और हम अपने आस पड़ोस अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को भी इसी चीज़ के बारे में गाइड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अंचल शर्मा, जिन्होंने एडवाइस दी है कि आपको अगर किसी व्यक्ति को भी मंकी पॉक्स से आप संक्रमित होते हैं तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास जो नज़दीकी जो अस्पताल है वहाँ पर आप चेक करवा सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। और हाल ही में आपको बता दें कि WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी इसको घोषित कर दिया है। आप रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, घरों से बाहर निकले तो जो भी WHO की ओर से आपको गाइडलाइंस दी जाती है उसकी पालना जरूर करें। KRT न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहें, देखते रहें KRT न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।